बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपके चैप्टर से रिलेटेड डिटेल्स देखी थी कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आज के लेक्चर में हम ICS पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आप किस तरह वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में आप अखबारात, मैगजीन्स, खत, एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आप स्कूल में हैं तो अलग अलग तरह के सर्कुलर्स, अगर आप ऑफिस में हैं तो इस तरह के नोटिसेस, मेमोस वगैरह से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा। और ये तमाम चीजें क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से पहले आप मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, आपकी टीचर कोई असाइनमेंट देती है तो आप पेपर और पेंसिल के थ्रू असाइनमेंट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो दरअसल आप इस तरह से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं। अब अगर यही डॉक्यूमेंट अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तो वही डॉक्यूमेंट अब कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। और दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर से आपको हर काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, गेम्स खेलना है तो उसके लिए भी पहले आपको गेम्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, सॉन्ग सुनने हैं तो सॉन्ग्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर के जरिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हो, मार्केटिंग कंपनीज हो, आपके घर हो, अब कोई ऐसा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है जिसमें ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ हो, बल्कि रिसर्च के मुताबिक अब तक के 90% पर्सनल कंप्यूटर्स में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और दोस्तों, आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इस सॉफ्टवेयर को इतनी शोहरत क्यों मिली, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर से पहले लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डेडिकेटेड मशीन्स की जरूरत होती थी, जो कि टाइपराइटर की तरह होती थी और उनमें कीबोर्ड अटैच होता था, जिस पर काम करना निहायत ही मुश्किल होता था, क्योंकि जरा सी भी गलती की वजह से आपको पूरा डॉक्यूमेंट शुरू से टाइप करना पड़ता था और उसमें आपका बहुत सा वक्त दरकार होता था, और उसमें आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के अलावा और कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते थे, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मींस एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी खाली डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई पहले से डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, यानी एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग क्या है? विच मींस कि कैरेक्टर्स के फॉन्ट्स और साइज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और इस अमल को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो ये भी कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसको सेव करने का फायदा ये है कि आप बार बार उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, और आखिर में आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, विच मींस कि अगर हम एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह की होगी। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। विच मींस कि एक सिंपल सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पांच तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नंबर वन इज क्रिएटिंग, यानी वो उसके जरिए आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एडिटिंग, एक पुराने डॉक्यूमेंट में तब्दीली कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, आप उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट के फॉन्ट्स और साइज तब्दील कर सकते हैं। सेविंग, आप उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करा सकते हैं, और आखिर में उस सेव डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक कई तरह के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स के लिए बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप हर तरह के टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं।
बल्कि इसकी शोहरत की एक बड़ी वजह ये भी है कि इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट यानी अल्फाज के साथ साथ और दूसरी चीजें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि तस्वीरें, म्यूजिक, चार्ट्स, ग्राफिक्स वगैरह। और अब जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं वर्ड प्रोसेसर के, उनमें आप वीडियो क्लिप्स को भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर पब्लिश करवाने के लिए भी आप वर्ड प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि घरों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा आम है, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसीलिए आप इसके अंदर इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें इजीली सेक्शंस बना सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और बआसानी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और अहम बात कि वर्ड प्रोसेसर तीन तरह के होते हैं, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज सिंपल वर्ड प्रोसेसर, नंबर टू इज फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर एंड नंबर थ्री इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्ड प्रोसेसर। तो आइए इनको बारी बारी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर की। दोस्तों, सिंपल वर्ड प्रोसेसर इस तरह के वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जो कि कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, और वो तमाम बेसिक फंक्शनैलिटीज सिंपल वर्ड प्रोसेसर के अलावा आपको फुल फीचर्ड और डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्ड प्रोसेसर में भी आपको मिलेंगी। और दोस्तों, सिंपल वर्ड प्रोसेसर को टेक्स्ट एडिटर्स भी कहा जाता है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स वर्डपैड और नोटपैड के नाम से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद है। और इन टेक्स्ट एडिटर्स को आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको आपको अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना होता है, जबकि टेक्स्ट एडिटर्स को आप इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि ये आपको आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखें, सिंपल वर्ड प्रोसेसर में आप सिर्फ टेक्स्ट पर काम कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ग्राफिक्स, इमेज, चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें नंबर वन है इंसर्ट टेक्स्ट, यानी आप एक सिंपल से वर्ड प्रोसेसर में अल्फाज, नंबर्स वगैरह को लिख सकते हैं। डिलीट द टेक्स्ट, आप इसमें लिखे गए अल्फाज, लाइन और पेजेस को मिटा सकते हैं। कट एंड पेस्ट, आप किसी भी अल्फाज या लाइन या पैराग्राफ को एक जगह से रिमूव करके यानी कट करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं। कॉपी, कॉपी मींस के आप एक लफ्ज को, एक लाइन को कॉपी करके इस कॉपी के फीचर के जरिए उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका फीचर है सर्च एंड रिप्लेस, आप किसी भी वर्ड को सर्च की फीचर के जरिए तलाश कर सकते हैं और एक वर्ड को जो कि पहले से लिखा हुआ है उसे रिप्लेस के फीचर के जरिए किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ड रैप, पेज साइज एंड मार्जिन। दोस्तों, इन फीचर्स के जरिए यूजर सिर्फ और सिर्फ अल्फाज लिखता रहता है और जैसे ही एक लाइन पूरी फिल हो जाती है तो इस वर्ड रैप के फीचर के थ्रू वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली यूजर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है, जिसकी वजह से यूजर को हर बार लाइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती, यानी लाइन को तब्दील करने की भी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स सिंपल वर्ड प्रोसेसर के। आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ विंडोज 10 में वो सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर कहलाता है नोटपैड। तो आप सबसे पहले सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे नोटपैड। नोटपैड टाइप करते हुए आपके सामने ये एक एप्लीकेशन आपको नजर आएगी, तो आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप इस नोटपैड की एप्लीकेशन पर क्या क्या, ये नोटपैड की एप्लीकेशन आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों, नोटपैड की एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह, डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी, सर्च, फाइंड, रिप्लेस, वर्ड रैप वगैरह कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इंसर्ट के माने होते हैं कि कोई भी चीज इंसर्ट करना, डालना। तो ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स या फिर नंबर्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ मकतब, कंप्यूटर साइंस
ICS पार्ट वन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेंटेंस लिखा है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स और नंबर्स नजर आ रहे हैं और ये फंक्शन कहलाता है इंसर्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आपको ये वर्ड प्रोसेसर, ये सिंपल सा वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है वो कहलाता है डिलीट। दोस्तों यहाँ आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है, रोज फ्लावर स्मेल इज सो प्लीजिंग। तो आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट इन बिटवीन द, अगर कोई डॉक्यूमेंट के बीच में कोई टेक्स्ट है उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, आखिर से कुछ मिटाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको उस वर्ड को या फिर उस पूरी लाइन को अगर मिटाना चाहते हैं तो उस पूरी लाइन को, अगर किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस, बहुत सारे फंक्शंस ये आपका नोटपैड आपको प्रोवाइड करेगा। उनमें से एक फंक्शन है, एक फीचर है डिलीट का। तो जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्मेल का वर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है, मिट चुका है। इसके बाद जो तीसरा फीचर आपको ये सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है वो है कट। कट के माने होते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को रिमूव करना, वहां से हटाना। और क्यों हटाना, क्यों कट करना, ताकि आप उसको कहीं और पेस्ट कर सके, उसी डॉक्यूमेंट में कहीं और उस वर्ड को, उस लाइन को रख सके। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको यहाँ पर किसी भी वर्ड को या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर आपको बहुत से ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप कट का ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये तीनों वर्ड्स कट हो चुके होंगे, रिमूव हो चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर कट पर क्लिक करने जा रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये तीनों वर्ड्स कट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी चिपका सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पेस्ट के ऑप्शन के नीचे राइट क्लिक करूंगी, अपना कर्सर लेकर जाऊंगी और कर्सर ले जाने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगी। तो जैसे ही मैं पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि जो भी चीज मैंने कट की थी, जो भी अल्फाज मैंने कट किए थे वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। इस तरीके से आप इस कट और पेस्ट के फीचर को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो कहलाता है कॉपी। दोस्तों कॉपी के माने आप जानते हैं कि किसी भी चीज की कॉपी का मकसद होता है कि उसकी डुप्लीकेट बनाना, उस जैसा एक और चीज तैयार करना। तो अगर मैं इस वर्ड की जो कि मैंने अभी पेस्ट किया है इसकी कॉपी जनरेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगी और कॉपी पर क्लिक कर दूंगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कट नहीं हुआ है बल्कि जब मैं इसको पेस्ट करूंगी तो यहाँ पर इसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी, पेस्ट करूंगी तो यहाँ पर ये जो चीज मैंने कॉपी की थी इसकी जो डुप्लीकेट इसकी कॉपी है वो यहाँ पर जनरेट हो गई है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो कहलाता है सर्च। दोस्तों सर्च या फिर फाइंड, और आप सब जानते हैं कि सर्च के माने होते हैं, फाइंड के माने होते हैं तलाश करना। तो दोस्तों अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी अल्फाज को तलाश करना चाहते हैं तो आप बआसानी इस सर्च या फिर फाइंड के फीचर के थ्रू आप उसको तलाश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो आपको कुछ सेंटेंस नजर आ रहे हैं लेकिन अक्सर जो है नोटपैड पर लोग लाखों लाखों लाइंस लिख रहे होते हैं तो वहां पर किसी एक वर्ड को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर टॉप पर। आप सबसे पहले आपको टॉप पर बहुत सारे आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प वगैरह के ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर जाएंगे एडिट पर और जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो आप इसमें सर्च का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर फाइंड के नाम से है, आप यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे और फाइंड पर क्लिक करने के बाद अब जो भी वर्ड आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना है आप वो वर्ड लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ लिली, और जैसे ही मैं लिली लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि इसने वो वर्ड जो कि मुझे तलाश करना था वो हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा अगर वो वर्ड कहीं और मौजूद है तो आप दोबारा से फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक और वर्ड जो कि यही वर्ड किसी और लाइन में भी मौजूद था उसको हाईलाइट कर दिया। यानी इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट एडिटर में मौजूद किसी भी वर्ड को तलाश कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको ये टेक्स्ट एडिटर फराहम करता है वो है रिप्लेस का फीचर। दोस्तों रिप्लेस के फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे
इसी एडिट पर दोबारा से, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रिप्लेस। अब रिप्लेस के फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले वो वर्ड देना होगा जिसको आपको रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ पर लिली को मुझे रिप्लेस करवाना है, और फिर आपको ये भी बताना होगा कि आपको रिप्लेस किसी किस वर्ड से कराना है। यानी अगर आपके पास है मकतब, एक वर्ड है, उसको रिप्लेस करवाना है कंप्यूटर से, तो आपको मकतब भी देना होगा और साथ के साथ रिप्लेस विद में कंप्यूटर भी देना होगा। अब यहाँ पर रिप्लेस तो मुझे करवाना है लिली को, लेकिन किससे करवाना है? रोज से करवाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिप्लेस विद रोज। अब यहाँ पर आपको रिप्लेस कराना है तो आप यहाँ पर आपको लिली जो है वो काफी जगह पर नजर आ रहा है। अगर आपको तमाम जगह पर रिप्लेस करवाना है तो आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल के बटन क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिली की जगह रोज आ गया है, यानी लिली अब रिप्लेस हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रिप्लेस के फीचर को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने नोटपैड के अंदर, अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो सबसे आखिरी फीचर ये फराहम करता है वो है वर्ड रैप का। दोस्तों, वर्ड रैप के माने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत लंबा सा टेक्स्ट लिखते जाएंगे और अब आप चाहते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट में रैप हो जाए, यानी एक जगह हो जाए, खुद ही उसकी लाइन चेंज हो जाए, तो वो कैसे होगा? दोस्तों, यहाँ मैं कुछ भी एक इंसर्ट कर रही हूँ आपको वर्ड रैप का बताने के लिए। तो आपने यहाँ पर बहुत कुछ इंसर्ट कर दिया। अब आप जो देख सकते हैं कि ये लाइन चेंज नहीं कर रहा, यानी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट नोटपैड जो है वो लाइन चेंज नहीं कर रहा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर, आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको वर्ड रैप का फीचर नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ही से इसने इस नोटपैड की मार्जिन और इसका पेज साइज देखते हुए खुद ही से इसने इसको रैप कर दिया, यानी लाइन को चेंज कर दिया। तो ये तमाम वो फीचर्स थे जो कि आपका वर्ड प्रोसेसर आपको फराहम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड प्रोसेसर है, यानी नोटपैड जो है, ये एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है, यानी इसके अंदर आप जो भी काम कर सकते हैं। अभी भी आपने देखा कि हमने तमाम काम टेक्स्ट बेस किया है, हमने नंबर्स को इंसर्ट किया है, कोई तस्वीर, कोई चार्ट, कोई आप ग्राफिक्स इसके अंदर ऐड नहीं करवा सकते। तो ये था एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर विच इज द टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हमने नोटपैड पर आपको काम करना सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे, वो होता क्या है, उसकी एनवायरनमेंट कैसी होती है, आप उसमें किस तरह से काम करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।